जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं सोम पांडे और फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल बासा सोम ब्लॉग पे स्वागत करता हूं। आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जिसका कि पहले नाम मुगलसरा था। तो चलिए चलते हैं और ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और अभी हम लोग हैं मुगलसरा में, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये है मुगलसरा का प्रसिद्ध पोखरा। और अभी हम लोग जा रहे हैं ओवरब्रिज से उस पार, और उस पार भी चल के आपको सारी चीज़ें दिखाई जाएगी। मुगलसरा उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले में स्थित है, और ये चंदौली ज़िले से लगभग 16 से 17 किलोमीटर पश्चिम की ओर पड़ता है, और ये वाराणसी से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मुगलसराय उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन भी है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत सारे ट्रेनें रुका करती हैं, जो कि दिल्ली मुंबई से लेकर वेस्ट बंगाल तक के लिए जाती रहती हैं, और कुछ इस प्रकार से दूर से देखने पर दिखाई देता है ये रेलवे स्टेशन। ये मुगलसराय NH-19 के साथ स्थित है, और मुगलसराय काफ़ी प्रसिद्ध सब्जी मंडी भी है, जो कि आगे है, उसको चल के हम आपको दिखाएंगे। और अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं मार्केट की ओर, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7, और मार्केट कुछ इस प्रकार से दृश्य है सुबह के समय। और वर्तमान समय में मुगलसराय के विधायक रमेश जायसवाल जी हैं, जो कि भाजपा के नेता हैं। और मुगलसराय में सुबह सुबह आप देख सकते हैं अभी सारी दुकानें बंद हैं। मुगलसराय जंक्शन भारतीय रेलवे स्टेशन का सबसे व्यस्त जंक्शनों में से चौथे स्थान पर आता है, और यहाँ प्रतिदिन लगभग 125 ट्रेनें आती जाती रहती हैं सवारी वाली। और अब ये मुगलसराय DDU अपने मार्शल यार्ड के लिए भी जाना जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा मार्शल यार्ड भी है, और इसी मुगलसराय में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय जी का भी मृत्यु यहीं हुआ था। और ये है मुगलसराय की फेमस काली माता का मंदिर, जैसा कि आप देख सकते हैं। और कुछ इस प्रकार से मार्केट है मुगलसराय के, जो कि ये सुबह के हाल हैं मुगलसराय मार्केट के, आप देख सकते हैं। ये सब दुकानें आपको बंद मिलेगी, और ये एक बड़ा सा मस्जिद भी है। और कुछ इस प्रकार से देखने पर लगता है अपना मुगलसराय मार्केट, और ये चंदौली का सबसे व्यस्त मार्केट भी माना जाता है। और वहीं बात कर लें मुगलसराय के जनसंख्या की, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मुगलसराय की कुल जनसंख्या 1,09,650 थी। और कुछ इस प्रकार से मार्केट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अभी आगे आपको दिखाऊँगा कि यहाँ की सब्जी मंडी काफ़ी प्रसिद्ध है, वो किस प्रकार से है। और ये आप देख सकते हैं, ये है सब्जी मंडी, और ये सब्जी मंडी काफ़ी प्रसिद्ध सब्जी मंडी है चंदौली की, और यहाँ सस्ते दर पर आपको सब्जियाँ मिलती रहती हैं। और सबसे पहले मुगलसराय के मार्केट में सब्जियाँ उतरती हैं, उसके बाद फिर चंदौली के अन्य हिस्सों में सब्जियाँ जाती रहती हैं। ये देख सकते हैं, ये है सब्जी मंडी मुगलसराय की, और यहाँ अक्सर जाम लगा करते हैं। और आप देख सकते हैं सुबह सुबह कितनी भीड़ है इस मंडी में। और अब हम लोग चलते हैं धीरे धीरे आगे, और आगे चल के आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है सब्जी मंडी, और मुगलसराय में मछली बाजार भी स्थित है, जो कि सब्जी मंडी के आगे पड़ता है। और मुगलसराय के आगे एक चंदहासी जगह पड़ती है, जहाँ पे बहुत सारे कोयले का आवागमन एक स्थान से दूसरे स्थान पे होता है। तो अगले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से है चंदौली के चंदहासी की कोयला मंडी। तो फिर ये आप देख सकते हैं, ये है मुगलसराय की प्रसिद्ध मंदिर, और काफ़ी बढ़िया है मुगलसराय। और आपको मुगलसराय मार्केट में सिटी कार्ट, V2, IP जैसे मॉल भी मिलेंगे, जहाँ की आप अपनी ख़रीदारी कर सकते हैं।
और यहाँ पे थिएटर भी है, तो आप समय निकाल के यहाँ आके मूवी भी देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से मार्केट है मुगलसराय के, तो और मुगलसराय से रिलेटेड जो भी ब्लॉग्स हैं और जो चंदौली से रिलेटेड ब्लॉग्स हैं उन सबको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा, और उसे भी आप देखिएगा, और काफ़ी बढ़िया ब्लॉग है। और कुछ इस प्रकार से है मार्केट का माहौल, और दिन में काफ़ी बिजी ये मार्केट रहता है, आप देख सकते हैं। तो फिर आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कैसा रहा ब्लॉग। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।